फ्रेंड दिस इज प्रशांत कौर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड आज मैंने ये वीडियो जैसे कि फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत साल पहले मैंने कोला सॉफ्टवेयर के ऊपर यानी कि आप लोगों को बोला था जो कंप्यूटर में जो फैशन डिजाइनिंग कोर्स होता है वो मैं सिखाऊंगा, तो मगर टाइम नहीं मिला है। तो मिला था उस टाइम तो नहीं कर पाया था, तो आज मैंने अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। कंप्यूटर में जितना कोर्स है फ्रेंड वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें जैसे कि 2D पैटर्न से लेकर सब कुछ रहेगा, 2D पैटर्न, 3D इलस्ट्रेशन, जैसे कि पोर्टफोलियो तैयार कर, सब कुछ हम कंप्यूटर में तैयार करेंगे। तो उससे फर्स्ट आप लोगों को इस चैनल में फ्रेंड अलग 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 करके प्लेलिस्ट में दिखने के लिए सब कुछ मिल जाएगा। फैशन डिजाइन का जो सिलेबस है सब कुछ, यानी कि एक फैशन डिजाइनर स्टूडेंट को जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो जो कुछ चाहिए सब कुछ हम कर देंगे। पैटर्न मेकिंग करने के लिए जो हम लोग 2D यूज करते हैं, इलस्ट्रेशन करने के लिए जो जो सॉफ्टवेयर चाहिए, इसके अलावा भी जैसे कि एडिटिंग करने के लिए जो जो चाहिए सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो का मेन जो टॉपिक है वो है हम लोग कैसे इस में हम लोग जो मॉडल होता है वो मॉडल को हम लोग इनपुट करें। तो फ्रेंड ये है हमारा सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर में फ्रेंड ये कोलो सॉफ्टवेयर में सिखाऊंगा, तरह तरह का सॉफ्टवेयर होता है। किसी एक सॉफ्टवेयर को आप अच्छी तरीके से जान पाएंगे तो सब कुछ आप कर पाएंगे। मैंने और भी बहुत सारा अलग अलग सॉफ्टवेयर भी दिखाऊंगा और शायद किस तरीके से हम लोग प्रिंट आउट करते हैं पैटर्न को, सब कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें मैंने इम्पोर्ट करना सिखाऊंगा जो मॉडल होता है। तो फ्रेंड इसमें करने के लिए आप लोग ये देखिए ऊपर में जो है ये है फाइल, फाइल को हम लोग क्लिक करेंगे और इसमें से कोई भी आप इंपोर्ट करें इस जगह से इंपोर्ट हो जाएगा बहुत आसानी से। मगर हम लोग इस वीडियो में क्या करना चाहते हैं, हम लोग मॉडल इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये देखिए हमारा लेफ्ट में एक ऑप्शन है अवतार करके एक ऑप्शन है, तो ये है हमारा जैसे कि व्यू। ये इस व्यू में जैसे कि हमारा जैसे कि वर्क करने का जगह है, वर्क स्पेस हम लोग इसे बोलते हैं। ये 3D है, एक 3D होता है और एक होता है 2D। तो 2D 3D सब कुछ इस जगह में है। ये देखिए इस स्क्रीन को हम लोग अगर इसी तरह करूं तो यानी कि राइट में जो है इसमें हम लोग हमारा कर्सर को फॉलो कीजिए, इसमें हम लोगों को 2D होता है और लेफ्ट में हम लोगों को 3D होता है। तो मैं अगर चाहता हूँ सिर्फ ओनली 2D रहेगा 2D रहेगा, ओनली 3D रहेगा 3D रहेगा। तो ये और भी आसानी से आप लोगों को समझा देंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें एक मॉडल इंपोर्ट करें, तो मॉडल इंपोर्ट करने के लिए जो लेफ्ट में दिख रहा है जो अवतार लिखा हुआ है तो इसमें क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद इस जगह में आ रहा है फ्रेंड जो ये ऑप्शन जैसे कि फीमेल, फीमेल में क्लिक करेंगे। आप लोग अगर मेल चाहते हैं तो मेल में क्लिक करेंगे, किट चाहते हैं किट में क्लिक करेंगे, सब कुछ है। इसमें डबल क्लिक करने के बाद फ्रेंड जो उसमें था वो जैसे कि हेयर मोशन और जैसे कि इसी तरह सब कुछ आप लोगों को इस जगह में दिखेगा। ओके, तो मैंने ये मॉडल हम लोगों को इसमें लाना है, तो डबल क्लिक करने के बाद इस जगह में आ जाएगा। थोड़ा देर वेट कीजिए, लोड हो रहा है, इसमें आ जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड हमारा मॉडल इस जगह में आ गया है। तो फ्रेंड मैंने जिस तरीके से आप लोगों को सिखा रहा हूँ A to Z मैंने धीरे धीरे करवाऊंगा, छोटा छोटा पार्ट में इसका बनाऊंगा। तो ये देखिए मॉडल को हम लोग अगर जैसे कि सबसे पहले मॉडल इनपुट तो मैंने दिखा दिया है इस जगह में, और उसके बाद फ्रेंड आप लोगों को मैंने बताया तो ओनली ये 3D स्क्रीन है। तो नीचे देखिए फ्रेंड इस जगह में एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस जगह में ठीक है, इस जगह में एक ऑप्शन दिया हुआ है वो इस जगह में देखिए 3D और इस जगह में 2D। 3D क्लिक करेंगे, 3D डबल स्क्रीन करेंगे, डबल स्क्रीन दिखेगा और ओनली 2D तो 2D इस जगह में दिखेगा। तो इसमें जैसे कि मैं ओनली 3D चाहता हूँ। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट बात है जो इम्पोर्ट करने के बाद मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, तो माउस को राइट क्लिक प्रेस करके इसी तरह घुमाना है तो ये मूवमेंट का रोटेट होता है, ये ऐसे 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 कुछ भी करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा। और राइट में एक क्लिक करेंगे तो इसमें जो पॉपअप मेनू जो ओपन हो जाएगा, जो मेनू बार ओपन होता है इस जगह में, ऑप्शन बहुत अलग 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 डिफरेंट टाइप ऑप्शन इस जगह में होता है वो मैं अलग से दिखा दूं। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो में मैंने बस इतना ही आप लोगों को बताऊंगा। अगले पार्ट में और भी अलग अलग तरीका मैं बताऊंगा। इसमें जैसे कि मूवमेंट करने का तरीका वैसे ही है, आप इसे जान लीजिए। मैं दूसरे वीडियो में मिलता हूँ। और चलिए नीचे कमेंट्स कीजिए फ्रेंड, इस कोला सॉफ्टवेयर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को सीखना है,
वो वीडियो मैं जल्दी बना दूंगा, और अदरवाइज ये वीडियो मैं पार्ट पार्ट करते जाऊंगा। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना सही था। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।